250 पीपल का हमारे गांव के लोगों का स्क्वैश हो जाता है बिल्कुल यहाँ से बड़ी चीज है बिल्कुल। तो ये किसकी जवाबदेही? अब तो ये 5 साल बाद गवर्नमेंट नई गवर्नमेंत के लिए अपना ना मता अधिकार अपनी बात तक नहीं पहुंचा पाए। हमारे गांव में कितना टोटल अगर 2000 है टोटल कास्टिंग अगर होती है बिल्कुल तो 2000 में 250 लोग कितना हो गया कम से कम 20% 20% लोगों का आपने इलेक्टोरल उससे डिप्राइव कर दिया। इसकी जवाबदेही कौन है? आप अभी आप कह रहे हो कि डीएम साहब देखेंगे तो डीएम साहब क्या एक्शन लेंगे बीएलओ को? देखिए लेना भी चाहिए और डीएम हमारे यहाँ के जितना मैं उनको पहचान रहा हूँ यहाँ लोग बात जानते हो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है वो काम बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं। आपकी बात मैं मान लिया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं अब जैसे आपको कोई परेशानी है और आप ही नहीं बता पा रहे हैं या आपने कहीं शिकायत नहीं की तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टली कोई यहाँ पे आपके बीच में नहीं आ जाएगा चाहे थाना हो या और कोई आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई से कि क्यों मार्जिनलाइज सेक्शन हम लोग माइनॉरिटीज से हैं जी। तो माइनॉरिटीज का सबसे बड़ा वजूद तो ये है कि हम अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। हम जो हम वोट करने आए हैं हम सिर्फ अपने वजूद के लिए आए हैं। यहाँ पे सिर्फ ये गवर्नमेंट बनाने की फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही सबसे बड़ा ये है कि हमारा वजूद जो खत्म हो रहा है जो एक तरफ जो हमारा पीएम साहब कहते हैं कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण खत्म कर देंगे और दूसरे स्टेटमेंट में बोलते हैं कि नहीं ये तो हमसे गलती होगी हम तो ईद का खाना खाते हैं उनसे उनके घर में। तो इस तरह का मतलब उनकी बात का कोई रिलायबिलिटी नहीं है। अगर है तो मुसलमानों का वजूद क्या होगा? आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में अगर आई या रही कुछ दिन तो माइनॉरिटी का वजूद खत्म हो जाएगा क्या? जब तक बीजेपी गवर्नमेंट में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे सेकुलर माइंडेड लोग नहीं आएंगे बीजेपी का कल्याण अच्छा, नहीं सेकुलर क्या होता है थोड़ा नजदीक वो भी बता दो। सेकुलर ये होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है शोषित दलित वंचित समाज मतलब जो राइट दिए गए हैं जो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो हर नागरिक को अधिकार है। ये मैंने कहा था कि मैं आईएएस हूँ तो मुझे एक स्पेशल राइट मिला हुआ है गांव का एक दलित है तो उसको कोई राइट नहीं है जो उसको राइट है वो एक आईएएस को भी एक राइट है तो हम उस राइट के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि जो आपने बताया और आपसे बातें करके अच्छा इसीलिए लग रहा है कि आप पुटअप कर रहे हैं क्वेश्चन भी पुटअप कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से देश में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अभी तक जितनी भी या चाहे जो सरकारें आई हैं क्या लगता नहीं है आपको कि वाकई में वो आम लोगों के लिए कुछ नहीं करती केवल किसी मुद्दे को भटका देना या वो किस कोई सरकार हो मैं किसी पर्सनल एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सीधे से आपसे ये बताऊंगा कि जब कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन होता है नए फॉर्मेशन के लिए तो उनका एक मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो में ये होता है कि हम ये चीजों को हमारी अगर सरकार आती है तो हम इन मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। इस सरकार का मैनिफेस्टो का कि किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे बेरोजगारी हम कितना 10 करोड़ जो है बेरोजगार हम एलिमिनेट करेंगे पर ईयर और ऐसे बहुत सारी ऐसा कि हम फ्री एजुकेशन देंगे हेल्थ एंड सिक्योरिटी सिस्टम को सही करेंगे मगर कुछ पे तो काम नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट बता रही है। देखिए सरकार आप हेल्थ की बात कर रहे हैं तो बता 15 लाख कह रहे हैं कि हम जो ब्लैक मनी है ब्लैक मनी को सब रिवर्स लेके आएंगे। एक ब्लैक मनी बता दे सब जितने भी लोग थे 16,000 करोड़ रुपीज सबको माफ कर दिया बाकी किसानों का अभी भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ पेंडेंसी पड़ी हुई है अभी फार्मर डेब्ट अभी वैसे ही खड़ा हुआ है और कितने मैं विदर्भ के किसान हैं हम बहुत सारे ऐसे किसान का नाम बता सकते हैं कि अपना विदर्भ और महाराष्ट्र के किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं इसलिए कि उनके ऊपर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट होता चला जा रहा है वो पे नहीं कर पा रहे। तो अच्छा ये लगता है कि जो नई सरकार का गठन अगर आपकी मान लिया जाए कि बीजेपी सरकार को बाहर निकालना है तो लगता है कि जो अभी सरकार आएगी नहीं गठबंधन हमें किसी बीजेपी कांग्रेस से एलर्जी नहीं है हमें काम चाहिए नहीं वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हम वो चाहते हैं कि जो वो मैनिफेस्टो सर्व कर रहे हैं बिफोर इलेक्शन उस मैनिफेस्टो पे काम होना चाहिए इस पे कानून बनना चाहिए। सर आपकी बात अच्छी है और बड़ी भी कर रहा हूँ और होना भी चाहिए। कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी अगर मैनिफेस्टो अपना जारी करती है तो उसपे जरूर यह चीज होना चाहिए कि अगर वो सरकार बनी नहीं और तो यही राहुल गांधी तो कह ही रहे हैं कि अगर नहीं सर, होगा सर, क्या, तो क्या? हम कानून बनाएंगे अगर किसान आयोग अभी किसानों देखे, का देखे, कहना अभी अभी आप उनकी वीडियो देखे होंगे मैं पर्सनल किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं किसी भी कोई भी जितना भी पार्टियां हैं मैं ऑन कैमरा चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं अनंत साहब कि कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है कोई नेता नहीं है जो दूध का धुला हुआ हो बिल्कुल ठीक है
और वो पार्टी चाहे बीजेपी हो, सपा हो, अन्य कोई भी हो, मायावती को ले लीजिए, चाहे जैसे दलित की बात हो रही है, ओबीसी की तो बात होती है, तो कह रही है कि किसानों को भी हम काम कर रहे हैं, 700 किसान बॉर्डर पे मर गए तो नहीं है ना। वो मैनुफेस्टो तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेके आती है, अगर इस तरीके से वो अपना धरातल पे उतार दे तो फिर गरीब कहाँ रह जाएगा कोई, तो उतारना चाहिए ना जिसकी, इसी पे कानून बनना चाहिए। मंच से जैसे बोला जा रहा है, जैसे अभी आपने प्रधानमंत्री का नाम ले लिया कि फला मंच से उन्होंने ये बोल दिया, बाद में उन्होंने सॉरी बोल दिया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पहली चीज वो कोई भी हो, वही नहीं, कोई नेता हो, वही नहीं, वह कोई भी नेता हो, अगर कुछ गलत बोल रहा है या कुछ गलत कह रहा है कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, आने के बाद नहीं कर पाता, तो उसकी लायबिलिटी होनी चाहिए। अब जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम 8000 रुपीज औरतों को खटाखट 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 पोस्टमार्टम तो 4 जून के बाद हो जाएगा, हो जाएगा कि आइदर इज टेलिंग लाई आर नाइदर नार, ये तो कह रहे बोल रहे की नहीं कर रहे हैं, सही है। 15 लाख जो चीजें उन्होंने कही है ये तो प्रूव हो जाएगा 15 दिन में कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। मगर जो जो प्रधानमंत्री ने 10 साल जो बोलते चले आ रहे हैं कि 15 लाख रुपए देंगे, ब्लैक मनी वापस आएंगे। देखिए आप पढ़े लिखे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस बात को रिपीट करिए, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस रिपीट को सुनेंगे फिर से, ठीक है, जैसे कोई चीज जुमलेबाजी में कोई कुछ भी बोल रहा है उसको कुछ भी प्रचारित कर दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे राहुल गांधी भी कभी कुछ नहीं बोलते हैं फिर भी प्रचारित कर दिया जा रहा है कि कह रहे हैं सर पावर प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला था कि हम देंगे। देखिए जनता, जनता ने उनको जनादेश दिया है, जनता ने उनको पीएम बनाया, वो पावर में है, और उनकी एक एक बात को हम हल्के में नहीं ले सकते, बोलना भी नहीं चाहिए, हम उनकी हर बात को बहुत ही सीरियस लेते हैं, लेना भी चाहिए, और क्योंकि वो गवर्नमेंट में है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये कभी बोला था? आप बड़ी जिम्मेदारी से आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री ने बोला था। एक मिनट सर, बहुत ऐसे स्टेज पे मैं बहुत ये शब्द कभी आप हमको बताएंगे कि उन्होंने ये बोला था कि मैं इतने खाते में दूंगा 15 लाख रुपीस पर 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 हेड जो है हम उनको ट्रांसफर करेंगे, वो स्टेटमेंट ये था कि अगर हमारी सरकार आई, ये 2014 की ही बात थी, अगर हमारी सरकार आई तो जितना ब्लैक मनी बाहर गया है अगर वह पैसा हमारे देश में आएगा और मैं लेके आऊंगा तो इतना पैसा हो जाएगा कि पर व्यक्ति इतना पैसा पा सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं, आम जनता उसके बाद तो उसके बाद गए, अमित शाह ने भी कहा उसके बाद भी गए, ये गलत है, आपने देखा होगा अभी जो मेरा नाम सैयद टीपू सुल्तान है और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 2011 से मैं पार्टी में जुड़ा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक मंच से कहा कि जनता के बीच में अपना संबोधन दे रहे थे कि हमने अजान खत्म कर दी। अच्छा, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, हम आपको वीडियो अवेलेबल करा देंगे। अजान खत्म कर दिया, अजान नहीं होती, रोडों पे नमाज, सड़कों पे नमाज नहीं होती। आपने देखा होगा यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, आप जिस गांव में मझुआ मीर में आए हैं ये मुस्लिम बाउल क्षेत्र है, हमारे हिंदू 70% यहाँ पे जो हिंदू भाई हैं तो हम लोग एक साथ आपस में रहते हैं। एक माननीय जो एक प्रदेश का जो मुखिया होता है उसका बड़ा एक जिम्मेदारी भरा, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल तो क्या मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, ये इस बार हताश हो गए, अब ये ले आए मस्जिद मंदिर, मस्जिद राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, ठीक है, तो इसी तरह से इनका है। तो आप जो कह रहे हैं उन्होंने ये भी कहा था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, सही कह रहे हो आप, ये नहीं, ये आपकी बात है, सही है। हमें 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 ऐसा फील हो रहा, हो सकता है आप उनकी ही बात कहना चाह रहे हो, क्योंकि आज जो देश का चैनल है, देश का जो मीडिया है वो भाजपा की ही अलग लाभ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा आप देश के चौथे स्तंभ हो और आपके आपका एक बहुत क्या कहते हैं महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए चुनाव में कि आप पारदर्शिता के साथ आपने बात दिखाई, आपको एजुकेटेड बंदा मिल गया, आपने बात सुनी, और मेरी समझ से आप बहुत सारे इनके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, अगर आप बहुत देर तक करेंगे आप नहीं दे सकते। देखिए अनस वो सुल्तान साहब, सुल्तान जी मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ कोई भी कार्यकर्ता आपके साइड का कोई भी कार्यकर्ता अगर बीजेपी का होता तो मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप नहीं करता, क्रास
क्रॉस वही कर लेता आपसे, वो आप उसको कर लेते वो आपसे कर लेते। अब चूंकि यहाँ पे कोई उस तरीके से नहीं है तो मुझे क्रॉस करना पड़ रहा। अभी जैसे अभी बात हो रही थी, जैसे आपने बताया कि अजान खत्म कर दिया, ये कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है ये, ठीक है, आपकी बात मैं बड़ी कर रहा हूँ कि कहे वो। एक बात बताइए, क्या माननीय अखिलेश जी कभी जिस तरीके से राम मंदिर बना, राम मंदिर बनने से यहाँ आपको कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, नहीं हुई। मुस्लिम समाज के किसी कोने से अगर आवाज उठी हो तो आप बता दें। नहीं उठी, ये सत्यता है। क्यों बार बार उसी सवाल को करोदा जाता है? वेदा की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे एक एक हिंदुस्तान का मुसलमान न्यायालय का सम्मान करता है। जब ये फैसला आया हिंदुस्तान के मुसलमानों ने स्वीकारा, आपको बड़ी मोहब्बत के साथ इनका इनके सम्मान को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपने बढ़ाया नहीं। आपने बार बार देखा होगा चौराहों पे गलियों में उसी गाने को बजा करके, यहाँ तक हमारे मेरे सामने खुद गाना बजा, क्योंकि मैं यहाँ समाजवादी से हूँ कि जब 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 मुल्ले काट जब जब राम राम जब जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, ये सब आपने देखा होगा वीडियो, देखिए ठीक है। ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात, जब आप स्टार्टिंग में आए तो आप जिले की बात कर लीजिए, जो वोटिंग की आपने बात किया, पूरे प्रदेश में चाहे वो कोई भी जिला हो, ठीक है, हर जिलों में मुसलमानों की संख्या कम किया गया। हमारे वहाँ से प्रधान जी घूम रहे हैं, प्रधान जी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, बेचारे इतने अरे यार भाई साहब भाग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, ये तो बहुत गलत है, भागना मेरी बात, उनको भागने मत देना, उनका जरूर आना चाहिए चेहरा, वो निराश है, वोटर नहीं है यहाँ के, गांव का एक महत्वपूर्ण क्या कहते हैं प्रधान है, जनप्रतिनिधि है, मेरे गांव का जनप्रतिनिधि, उसी का नाम नहीं वोटर लिस्ट में। दानिश का बता दो जो प्रत्याशी था, उसका भी नाम, बहुत बड़ी बात है ये। और सुनिए, मैं तो समाजवादी पार्टी से हूँ, मेरा एक भाई संत कबीर नगर 62 लोकसभा विधानसभा से सांसदी का लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है, सांसदी का, सैयद दानिश अशरफ। अच्छा, दरअसल हम ब्लड एक है, हम एक है, विचारधारा अलग है दोनों की, ठीक है। वो भाई वहाँ बसपा में मेहनत कर रहे थे, हम सपा में मेहनत कर, उनको वहाँ से टिकट मिल गया। दानिश साहब जब वहाँ चुनाव लड़ने गए तो भाजपा के लोगों ने उनका वोटर लिस्ट से नाम कटा दिया। क्या बात कर रहे हैं, सही है, उनको मजबूरन अपना क्या कहते हैं, फिर बहन कुमारी मायावती जी के समक्ष अपने अपने आप को प्रस्तुत होकर के अपना नाम हटा करके अपने बड़े भाई को चुनाव लड़ाया, कि अभी उनकी शादी नहीं हुई। अच्छा। उनकी शादी नहीं हुई, वहां से आया था कि मिसेज को लड़ाया ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई को नदीम अशरफ को चुनाव लड़ाया। अब बहुत दमदारी से लड़ा, लड़ भी रहे हैं, लड़ना भी चाहिए। इस तरह से आप समझिए कितना पड़ता है, बहुत सारे लोग सुबह में वापस गए। अब वो सारी चीजें तो अलग है, वो तो दूसरी विधानसभा की बात है, मगर सोचिए ग्राम सभा प्रधान का नाम नहीं है। प्रधान जी आओ इधर आओ, प्रधान जी का नाम प्रधान जी नहीं है, प्रधान जी को तो दिखाना जरूरी है, प्रधान गांव का वोटर लिस्ट में प्रधान जी का स्वयं नाम खुद ही नहीं भाई। अगर क्या चीज, जवाब नहीं दे पाए, अरे भाई ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि उनका चेहरा अगर इसमें आया हो, नाम क्या है उनका, प्रधान जी का नाम फयाज अहमद साहब का नाम नहीं आया, बस्ती जिले का सबसे युवा प्रधान, सबसे कम उम्र का प्रधान यहाँ पे जी, यही प्रधान। अब आप सोचिए कि अगर जिला अधिकारी महोदय, अगर आप ये चाह रहे हो कि वोट प्रतिशत बढ़े, मतदान बढ़े, और आपने बीएलओ से लेके हर एक अधिकारी को घर घर तक जाने की बात कही थी कि जाके घर घर आप वोटर आईडी बनवाएंगे, कोई मतदाता छूटना नहीं चाहिए। अब आप सोचिए एक चुना हुआ व्यक्ति जो कि इस ग्राम सभा का प्रधान है, जैसा कि लोग बाग बता रहे हैं यहाँ के, अब बताइए अगर उनका खुद का वोट नहीं आया, उनको मत का अधिकार नहीं है, तो आम लोगों को क्या होगा, ये जरूर आप लोगों को सोचना चाहिए और जानना भी चाहिए। और खास करके इसमें किसकी गलती है, बहुत सारे लोग कभी क्वेश्चन मार्क इस पे भी लगा देते हैं कहीं कहीं कि प्रधान ने वोट कटवा दिया होगा। अब आप बताइए कि खुद प्रधान का अगर वोट कट गया तो वो प्रधान किसका वोट कटवा देंगे भाई साहब। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मझौवा मीर में ऐसी सारी घटनाएं आ रही हैं, खुल के निकल के आ रही हैं सामने, ये बहुत ही दुखद और दयनीय स्थिति है। और खास करके सरकार में जो भी है, सवाल उसी के ऊपर उठेगा, क्वेश्चन भी उसी से पूछा जाएगा। तो डीएम महोदय जरूर इस वीडियो को संज्ञान लीजिएगा, खास करके यहाँ के बीएलओ को कि वजह किस लिए और क्यों ऐसा हुआ। फिलहाल जो भी हो, जैसा भी तर्क हुआ, जो भाई लोग बात किए, जो आपका विचार होगा जरूर रखिएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर ही ग्राम सेवक है।